नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटिस्ट राधे टेक्निकल हमीरपुर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रिल मशीन में किस प्रकार से ड्रिल बेट लगाते हैं। हमारे पास दो प्रकार की ड्रिल बेट हैं, एक है ये ईंट में होल करने वाली ड्रिल बेट और दूसरी प्रकार की ड्रिल बेट है ये लकड़ी में होल करने वाली ड्रिल बेट, और एक है हमारे पास स्क्रू ड्राइवर जो एक तरफ है पेचकस टाइप, दूसरी तरफ है स्टार टाइप, और तीसरा है हमारे पास एक ये चक जो कि 1 mm से लेकर 22 mm तक का होल कर सकता है। तो इसमें जैसे कि ईंटों में होल करने वाली जो बेटे हैं हमारे पास, जैसे कि 3 mm, 4 mm, 6.5 mm, 8 mm और 10 mm की हैं। तो जिस प्रकार से हमें छोटा बड़ा और होल करना होता तो हम उसी प्रकार की ड्रिल बिट का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये लकड़ी की ड्रिल बिट आती है 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm तथा 10 mm। तो जैसे कि छोटा बड़ा ड्रिल होल करना है तो इस प्रकार हम ड्रिल का सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये हमारे पास ड्रिल मशीन, तो इसमें किस प्रकार से ड्रिल लगाते हैं तो यही हमारा मेन क्वेश्चन था। तो ये हम लेते हैं एक इससे ईंट में होल करने वाली ड्रिल बिट, दस एम एम की ये ड्रिल बिट है। इसमें इसको लगाने के लिए पहले इसको घुमाते हैं हम क्लॉक वाइज जिससे ड्रिल बिट खुल जाती है, और इसको हम इस प्रकार से लगा देते हैं, ऐसे क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो ये हमारी ड्रिल बिट ड्रिल मशीन को खुल जाती है और ड्रिल बिट अंदर लग जाती है। अब जब ऐसे हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो ड्रिल बिट कसना स्टार्ट हो जाती है। ड्रिल मशीन के साथ में आती है एक चाबी, इसको लगाकर हमें क्लॉक वाइज घुमाना होता है जिससे ये अच्छे से टाइट हो जाए। इस प्रकार से टाइट हो गई है, अब चलने के लिए तैयार है। अब ड्रिल बिट को हम दो प्रकार से घुमाते हैं, अगर हमें जब होल करना होता है इसको घुमाते हैं क्लॉक वाइज, और जब ये हमारी ड्रिल बिट फंस जाती है तब घुमाते हैं हम एंटी क्लॉक वाइज। तो जैसे हम इसको राइट सेट करते हैं तब ड्रिल बिट घूमती है क्लॉक वाइज। ये क्लॉक वाइज घूमती है, और जैसे हम ये वाली नोब को हम करते हैं लेफ्ट साइड तो ये घूमती है एंटी क्लॉक वाइज। अब आती है हमारी ड्रिल मशीन की स्पीड को धीमा तेज करने के लिए, तो यहाँ पर दिया है एक रोटेटरी स्विच। जब हम इसको नंबर 1 पर सेट करते हैं, यहाँ पर दिया नंबर 1, नंबर 2 तो फास्ट घूमती है, जैसे ही इसको नंबर 2 पर सेट कर देते हैं तो ये स्लो घूमती है। जिस प्रकार हम तेज और धीम घुमाना है तो रोटेटरी स्विच को हम सेट करके इस प्रकार से घुमा सकते हैं। जैसे हम दबाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से घूमेगी, अगर तेज़ घुमाना तो इसको जैसे ही तेज घुमाना होगा इस रोटेटरी स्विच को नंबर 1 पर जैसे ही करेंगे तो ये स्पीड से घूमने लगेगी। जैसे कि हम देखो स्पीड को चेंज कर रहे हैं, अब इसको क्लॉक वाइज इस प्रकार से हम ड्रिल बिट को ड्रिल मशीन में लगाते हैं। अगर ड्रिल बिट हमें खोलना है तब हम ये लेते हैं चाबी और इसको घुमाते हैं एंटी क्लॉक वाइज, तो ये घूम जाती है और हमारी ये ड्रिल खुल जाती है। और इसी प्रकार से इस चक को लगाया जाता है, ऐसे क्लॉक वाइज घुमाएंगे ये कट जाएगा और ये काम करने के लिए तैयार है। और ये स्क्रू ड्राइवर बिट, इसी प्रकार से इसको भी लगाया जाता है। जब हमें कोई स्क्रू को
खोलना या बंद करना है। जैसे हमें स्क्रू को खोलना है तब उस स्थिति में हम ड्रिल मशीन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और जैसे हमको कसना है तब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं ड्रिल मशीन को। तो इसमें हम इसमें दिया है लेफ्ट एंड राइट, तो जैसे हम इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट, तो जैसे ही लिफ्ट करते हैं तो हमारी क्लॉकवाइज घूमने लगती है ड्रिल बिट, और अपने दाएं हाथ को वैसे अगर देखा जाए तो जिस ऐसे ड्रिल मशीन पकड़े हैं तो हमारे राइट हैंड साइड इसको नॉक को करेंगे तो हमारी क्लॉकवाइज घूमेगी, और लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। इस प्रकार हमने ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट लगाना सीखा। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार की जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और यदि आप मार्बल कटर का वीडियो देखना चाहते हैं माध्यम से तो आप कमेंट कर सकते हैं, मार्बल कटर का भी यूज कर बताएंगे और जो उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा वॉल कट जो कि मार्बल कटर से हमने इस लाइट फिटिंग किया है। इस प्रकार से हम मार्बल कटर से काट कर लाइट फिटिंग किया है।